हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली होने की वजह से राज्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ता और पेंशन 30 अक्टूबर 2024 को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये फैसला 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली और 1 नवंबर 2024 को हरियाणा दिवस होने की वजह से सार्वजनिक छुट्टियों के मद्देनजर लिया गया है। वहीं इससे पहले सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उनकी बेसिक भुगतान का 53% कर दिया गया है, जो कि पहले 50% था। यह 1 जुलाई 2024 से लागू रहेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स का अक्टूबर महीने से यह भुगतान किया जाएगा। जुलाई से सितंबर महीने का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा। वहीं इससे पहले मार्च में होली से ठीक पहले महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी था। तब जनवरी से फरवरी तक का बकाया भुगतान मई में किए जाने की घोषणा की गई थी। इससे राज्य के 2,62,000 पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता बढ़ गया था। इससे पहले 2023 की जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।